नियमावली सैनिक सभा के द्वारा समाज के सभी महिलाओं के लिए साप्ताहिक प्रशिक्षण के अंतर्गत शनिवार और रविवार दिनांक 26 जून और 27 जून को दोपहर समय 4 से 5 बजे ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से निशुल्क 2 दिवसीय केक आइसिंग बेकिंग का प्रशिक्षण शेफ रिया मखीजा के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के केक बहुत ही आसान तरीके से कम समय में बनाए, जिसमें प्रशिक्षण के पहले दिन केक का बैटर कैसे तैयार करें, बैटर को कैसे बेक करें और स्पॉन्ज केक को ज्यादा स्मूथ और फ्लफी कैसे बनाए। और साथ ही पॉट केक भी बनाना सिखाया। पॉट केक की खास बात यह थी कि ये बिल्कुल फ्लावर पॉट की तरह ही आकर्षक दिखते हैं। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये सच में केक ही है या कोई प्यारा सा गुलदस्ता। खुशी की बात यह थी कि अगले ही दिन क्लास में उषा कश्यप और कृष्णा विश्वामित्र ने लाजवाब केक बनाकर दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। शेफ रिया के लिए खुशी की बात थी कि उनके द्वारा ली गई क्लास में सभी महिलाएं दिलचस्पी के साथ प्रशिक्षण ले रही थी। अब बारी थी स्पॉन्ज केक की आइसिंग डिटेलिंग की, वो भी शेफ रिया मखीजा ने बखूबी करके दिखाया। उन्होंने एक केक नहीं बल्कि 3 केक की आइसिंग करके दिखाई, जिसमें मार्बल, बटरफ्लाई केक, ग्रेविटी केक, बार्बी डॉल केक और ज्वेली केक शामिल थे। मार्बल केक की खास बात यह थी कि वो पूरा मार्बल स्टोन के जैसा ही लगता है और उस पर रंग बिरंगी तितलियां काफी आकर्षक दिख रही थी। ग्रेविटी केक की खास बात यह थी कि केक के ऊपर बोतल ऐसे सेट की गई थी मानो बोतल हवा में हो और उसमें से कोला गिर रही हो। डॉल केक बच्चों को काफी भाता है और बच्चों की पहली पसंद डॉल केक ही होता है, जिसमें केक एक असली प्यारी सी गुड़िया की तरह दिखता है। इन सभी केक की डिटेलिंग और आइसिंग शेफ रिया ने सिर्फ 1 घंटे की क्लास में बताई। शेफ रिया ने यह भी बताया कि जब आपके पास केक बनाने का ज्यादा टाइम नहीं है और घर में पार्टी हो तो आप जेली केक बड़ी ही आसानी से बनाकर मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। साथ ही सभी महिलाओं के केक से संबंधित सभी सवालों के बड़े ही आसानी के साथ जवाब दिए। केक टूल्स के बारे में जानकारी भी दी और केक प्रेजेंटेशन का तरीका भी बताया। कोरोना में किसी प्रकार महिलाएं घर पर रहकर अपने परिवार का ध्यान रख रही हैं। इस विषय पर एक सुंदर से स्वरचित कविता महक गुलवानी ने प्रस्तुत की और बीच बीच में कमेंट्री कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया। प्रदेश अध्यक्ष कल्पना सैनी ने केक के प्रशिक्षण में शामिल सभी महिलाएं और शेफ रिया का आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया और शेफ रिया मखीजा को वर्चुअल सम्मान पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। सभी महिलाओं से आग्रह किया कि ऐसे ही ऑल इंडिया माली सैनी सभा के द्वारा संचालित किए जा रहे निःशुल्क साप्ताहिक प्रशिक्षण में शामिल होकर योजनाओं का लाभ लें और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखें। अंत में प्रदेश सचिव विनी सैनी और सपना अध्यक्ष चारुलेखा पढ़ोलिया ने शेफ रिया मखीजा का आभार माना। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी रश्मि चौहान ने किया। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।